कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जो सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार में स्थित है। जब तक यह इस प्रकार नीचे रहती है तब तक व्यक्ति सांसारिक विषयों की ओर भागता रहता है, परंतु जब यह जागृत होती है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कोई सर्पिलाकार तरंग है जो घूमती हुई ऊपर उठ रही है। यह बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है और जब यह जागृत हो जाती है तो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह जाता, वह एक दिव्य पुरुष बन जाता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुंडलिनी का एक छोर मूलाधार चक्र पर स्थित है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ लिपटा हुआ है। जब यह ऊपर की ओर गति करता है तो इसका उद्देश्य 7वें चक्र सहस्रार तक पहुंचना होता है, लेकिन यदि व्यक्ति संयम और ध्यान छोड़ देता है तो यह छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो पहले व्यक्ति को उसके मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होने लगता है, फिर वह कुंडलिनी तेजी से ऊपर की ओर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुकती है, उसके बाद फिर ऊपर उठने लग जाती है। जिस चक्र पर जाकर वह रुकती है उसको वह उसके नीचे के चक्रों में स्थित नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए नष्ट कर चक्र को स्वस्थ व स्वच्छ कर देती है। कुंडलिनी के जागृत होने पर व्यक्ति सांसारिक विषय भोगों से दूर हो जाता है और उसका रुझान आध्यात्म व रहस्य की ओर हो जाता है। कुंडलिनी जागरण से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है और व्यक्ति खुद में ही शक्ति और सिद्धि का अनुभव करने लगता है। कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक अनुभव कुछ इस प्रकार है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो व्यक्ति को देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। ओम या हुम हुम की गर्जना सुनाई देने लगती है। आंखों के सामने पहले काला, फिर पीला और बाद में नीला रंग दिखाई देने लगता है। उसे अपना शरीर हवा के गुब्बारों की तरह हल्का लगने लगता है। वह गेंद की तरह एक ही स्थान पर अप डाउन होने लगता है। उसके गर्दन का भाग ऊंचा उठने लगता है। उसे सिर में चोटी रखने के स्थान पर अर्थात सहस्रार चक्र पर चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है और ऐसा लगता है मानो कुछ है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। रीढ़ में कंपन होने लगता है। इस तरह के प्रारंभिक अनुभव होते हैं। धन्यवाद।